साबिर आफाक साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए, तमाम शायर व शायरात का हम इस्तकबाल करते हैं। मोहतरम नदीम जफर साहब से गुजारिश की जाती है कि डाइस पर तशरीफ ले आए। मोअज्जज़ सामईन, अब मैं एक ऐसे शायर के हवाले चल रहा हूँ जिनका नाम लेने के लिए भी मैं अभी बहुत छोटा हूँ, जो तहतुल लफ्ज का बेताज बादशाह भी अगर मैं कहूँ तो कम है। मैं इस वक्त बड़े अदब एहतराम के साथ नात पाक के लिए एक ऐसे शायर को पेश करने जा रहा हूँ जो तकरीबन एक महीने के कलील मुद्दत में 125 नाते लिख सकता है। तो वो शायर क्या क्या कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, आप खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं शायर शेर कहता है कि वजूद चाहो फरिश्तों अदम में रख देना, वजूद चाहो फरिश्तों अदम में रख देना, चरागे दिल मेरा ताके हरम में रख देना। वजूद चाहो फरिश्तों अदम में रख देना, चरागे दिल मेरा ताके हरम में रख देना। और महो नजूम मुझे एक नात लिखनी है, तमाम रोशनी लाकर कलम में रख देना। लेकिन इसी पर एक शायर ने बड़ा प्यारा शेर कह दिया कि वजूद चाहो फरिश्तों अदम में रख देना, चरागे दिल मेरा ताके हरम में रख देना, और महो नजूम की औकात क्या क्या नात लिखे, खुदा का नूर भी लाकर कलम में रख देना। नात पाक के लिए मैं आवाज देना चाहता हूँ साहिब जश्न मोहतरम नसीम फैजी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत अंदाज में नात पाक का नजराना पेश करें। मोहतरम नसीम फैजी साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरात गिरामी, इससे पहले कि मैं नात के कुछ अशार पेश करूँ जी, कुछ अपने ख्यालात भी आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरी एक शायर का कौल है, वहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरी तलब भी किसी के करम का सत्ता है, मेरी तलब भी किसी के करम का सत्ता है, ये पांव उठते नहीं हैं उठाए जाते हैं। जैसा कि अभी अजीज़म अरबाज साहब ने इस बात का बार बार यादा किया कि रमज़ानुल मुबारक में 125 नाते लिखी गई, तो दरअसल ये भी मिनजानिबिल्लाह होता है, किसी इंसान की ताकत और बिसात नहीं है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में लबकुशाई कर सके। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये हर मुद्दई के वास्ते दारो रसूल। आप लोग अदब का मकाम बना कर रखिए, नाते पाक का दौर चल रहा है। मैं मालेगांव वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ना इस लायक था ना मुस्तहिक था, ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, करम फरमाइयां हैं। अहमद हाशिम साहब से गुजारिश की जाती है कि उनको उनकी नशिस्त पर आज की ये शाम जश्न नसीम फैजी के नाम मुनक़िद की गई। मालेगांव से मेरा ताल्लुक बड़ा ही वालिहाना रहा है, एक बचपन के हवाले से बात बताना चाहता हूँ। बिठा दीजिए भाई, बिठा दीजिए, आप लोग इत्मीनान रखें। हजरत आइए, एक कथा पेश करता हूं नातिया कि चाहत की मोहब्बत की फिजा ढूंढ रही है, चाहत की मोहब्बत की फिजा ढूंढ रही है, मोहब्बत की फिजा ढूंढ रही है, इस गदर के मौसम में वफा ढूंढ रही है। क्या कहने, वाह 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 वाह। मुझे लगना चाहिए कि मालेगांव में ये मैं कथा पेश कर रहा हूँ जी, आता हूँ। चाहत की मोहब्बत की फिजा ढूंढ रही है इस गदर के मौसम में, इस गदर आप लोग इत्मीनान रखें, देखिए। चाहत की मोहब्बत की फिजा ढूंढ रही है इस गदर के मौसम में, वफा ढूंढ रही है बारूद के ढेरों पे सुलगती हुई दुनिया, क्या बारूद के ढेरों पे सुलगती हुई दुनिया, फिर शहर मदीना की हवा ढूंढ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने सर, वाह वाह वाह। और दोस्तों नात के चंद अशआर पेश कर रहा हूँ कि जन्नत के बामों दर व सहन चूमने लगा, जन्नत के दोस्त भाइयों माजरत के साथ
क्योंकि अरबी और फारसी से तालीम है, इसलिए अल्फाज जरा बुलंद हो जाते हैं, लेकिन मालेगांव वो इल्मी और अदबी सरजमीन है कि यहाँ पर अशार को सुनने वाले और अदब को समझने वाले मौजूद हैं, इसलिए बेशक बेशक। कुए नबी पाक को जन्नत के बामो दर वो सहन चूमने लगा, कुए नबी पाक को मन चूमने लगा, जन्नत के बामो दर वो सहन चूमने लगा, कुए नबी पाक को मन चूमने लगा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते थे, हमको एहसास हो जाता था कि आपका यहाँ से गुजर हुआ है। अल्लाह उनके जिस्म मुअत्तर की दिलकशी, अल्लाह उनके जिस्म मुअत्तर की दिलकशी, तारे कोबा को रंगे चमन चूमने लगा, तारे कबा को रंगे चमन चूमने लगा। और दोस्तों बतौर खास शेर के अल्फाज में उतार दिया दिल की धड़कने, क्या कहने, अल्फाज में उतार दिया, शोरा हजरात से भी तवज्जो चाहूंगा जी, के अल्फाज में उतार दिया दिल की धड़कने, अल्फाज में उतार दिया दिल की धड़कने, सिदरा को की शाख को, सिदरा की शाख को मेरा फन चूमने लगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा फन चूमने लगा। वाह 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 वाह, और जिंदाबाद दोस्तों के मैंने, शुक्रिया। फैजी ने बस लिखा था अभी नामे मुस्तफा, क्या कहने, फैजी ने बस। दोस्तों एक शेर देके जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मालेगांव के एक एक बच्चे की जुबान पर ये शेर हो जी, आता हो आता। फैजी ने बस लिखा था अभी नामे मुस्तफा, फैजी ने बस लिखा था अभी नामे मुस्तफा, नोके कलम को झुक के गगन चूमने लगा, क्या कहने, वाह कलम दबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मुबारकबाद जनाब नसीम।